वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। सो आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से रिपल के बारे में। क्या है रिपल के एनालिसिस आज के लिए, क्या आपको रिपल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या और क्या है इसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस, क्या रहेगा इसका प्राइस टैग, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस का पता चलता रहे। बाकी हमारे चैनल पर बहुत सारे क्रिप्टोस का मैं कवरेज करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, कई बार दो दो वीडियोस भी आती हैं डेली बेसिस पे क्रिप्टोस को लेके, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं वीडियोज़ के, ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलो शुरू करते हैं। सो सीधा आते हैं अभी हम रिपल के प्राइस चार्ट पे। आप देख सकते हैं रिपल की अभी रैंक नंबर 4 है और अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिपल का प्राइस है $0.2772 और ये लास्ट 24 आवर्स में 7% डाउन गया है। आप देख सकते हैं इसका लो 0.27 है और हाई 0.30, मतलब है 0.03 के मार्जिन के बीच में रहा है पूरे दिन में, लो गया है। इवन मार्केट कैप इसकी 6% कम गई है, मतलब कि सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 6% कम है, डायल्यूटेड मार्केट कैप भी 6.9% कम है और वॉल्यूम 5.57% कम है, मतलब कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 24 आवर्स में वो 5.57% से कम है, जिसका मतलब कि जो लोग हैं अब जिन्होंने रिपल में इन्वेस्ट किया है उसको थोड़े लोग अब सेल आउट नहीं कर रहे हैं, उसको संभाल के रख लें, बाकी मे बी उसको मे बी जो प्रॉफिट्स में है वो प्रॉफिट्स में या लॉसेस समझ के जो सेल कर रहे होंगे, बट जो मोस्टली लोग हैं उसको थोड़े बहुत लोग हैं उसको रखना शुरू कर दिया उन्होंने फॉर लॉन्ग टर्म। और आप देख सकते हैं जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आधी से भी थोड़ी सी कम 45% पे है, मतलब कि 45% ऑफ रिपल कॉइन सप्लाई में, आपको पता है। आपको मैं एक बार बता दूं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि रिपल पे SEC ने केस कर दिया था, लॉसूट फाइल कर दिया था, $1.3 बिलियन की इन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज इश्यूज कर दी थी, उस करके इन पर बहुत बड़ा केस पड़ा हुआ है। सो जिसने भी रिपल पे इन्वेस्ट करना है वो ज़रूर माइंड पे रखे कि XRP अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और मे बी उसका इम्पैक्ट और इसका एक बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट है इसकी प्राइस डाउन होने पे। कभी कभी एक टाइम पे रिपल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इवन मेरे ख्याल $2-3 के पास हुआ करता था, और अब आप देख सकते हैं 0.2785 पे है इस टाइम, 7% से डाउन है 24 आवर्स में। तो आगे बात करते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ उसके प्राइस चार्ट पे, ऑल टाइम प्राइस चार्ट पे। तो ये मार्जिन है यहाँ पे सबसे ऊपर गया था, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो रिपल का हाईएस्ट प्राइस गया था $3.657735, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्राइस गया रिपल का वो गया है $3.6। हम फिर से ऑल टाइम हाई पे चलते हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत पहले नीचे होता था, एक टाइम पे 0.004 होता था ये 2013 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक कंजेक्टिवली वैसा ही रहा, थोड़ा सा उसने गेन किया, फिर 0.01 हो गया एंड अभी एट नाइट एट पॉइंट ऑफ प्राइस का $0.2783 है। अगर मैं इसको लास्ट एक ईयर में कंपेयर करूँ तो लास्ट एक ईयर में इसका अपर राइज यहाँ पे गया था $0.68 पे, इसके करके अब देखें पूरा ईयर कंजेक्टिवली ग्रो नहीं किया, बट ये नवंबर में आ गया, आई थिंक November 25th, 2020 को ये $0.681034 हो गया था, एंड उसके बाद फिर डाउन जाके फिर से $0.6384 हो गया था, एंड अब ये फिर से इसको डाउन फॉल आया रिपल का बहुत गंदा, एंड रिपल नीचे है काफ़ी आपको दिख ही रहा है अभी। तो इसका एक्चुअली थिंग क्या है, इसकी जो इन पर लॉसूट फाइल किया गया उससे करके बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ने इनको डीलिस्ट कर दिया है, मतलब एक्सचेंजेस ने इनको डीलिस्ट कर दिया है कि आप वहाँ पे अब रिपल को ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिपल की जो डिमांड है बाय कंज्यूमर्स जो मतलब जैसे जो हम लोग हैं उनके लिए कम हो गई है, और जो लोग रिपल में ऑलरेडी थे वो इसको सेल आउट कर रहे हैं लॉस में ही, ताकि उनका पैसा कहीं डूब ही ना जाए जब कंपनी अगर कुछ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका 3 मंथ का, और 3 मंथ्स में आप देख सकते हैं ऐसा चल रहा है। अगर मैं आपको 1 डे का भी दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको बताया $0.03 से ये मार्जिन है लास्ट 24 आवर्स में, और प्राइस चेंज जैसे मैंने आपको बताया $0.019 से ये डाउन चल रहा है 7.05% पे, हाई इसका 0.27 था और लो इसका 0.27 था और हाई 0.38% है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुई है 5.57% से, मार्केट डोमिनेंस 1.27% है और मार्केट रैंक 4 है।
अगर हम देखते देखें तो आपको देखा 24 आवर्स में, वैसे बेसिकली देखा जाए तो 6.91% लो गया है, मार्केट कैप 4 है एंड ये उसकी प्राइस है। सर्कुलेटिंग मार्केट सप्लाई इतनी है, हाफ से भी कम हो चुकी है। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इसको ऊपर लेके जाता हूँ मार्केट्स में। सो राइट नाउ अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट का मैं आपको बताऊँगा, पूरी वीडियो देखें, आपको पूरा बताऊँगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप इस कॉइन को खरीदना चाहते हैं तो ये है वेरियस लिस्ट, जैसे बाइनेंस, VCC एक्सचेंज, अपबिट, BitBTC, बिटट्रू, बिटहम, कॉइन प्रो, बिटस्टैम्प एंड कॉइन टाइगर, इन सब पे अभी भी लिस्टेड है रिपल, और आप जा सकते हैं, आप इस पे इसको सेल आउट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो होल्ड करता है वो बाइनेंस है, 4.68% ऑफ रिपल को ये अभी इस टाइम वो कर रहा है होल्ड आउट। सो ये एक सीन चल रहा है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा भी लेके जाऊँ, आज की इसकी ओपनिंग प्राइस 0.3055 था और उससे पहले 29 देख सकते हैं, 2523 इवन 21 तक भी गया था 31 दिसंबर को। लॉ सूट जो उस पर फाइल हुआ उसने इसकी प्राइस पर बहुत गहरा इफेक्ट लाया एंड लॉकडाउन से पहले ये 2020 में ये 0.66 पे था, चल रहा था, $0.6 से नीचे नहीं गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार इसका थोड़ा रिपल पे प्रॉब्लम हुई है। अगर मैं आपको न्यूज़ दिखा दूं, आप देख सकते हैं मेजर XRP कस्टोडियन बिकम्स डिजिटल एसेट बैंक, आप देख सकते हैं डिजिटल बैंक आ रहे हैं, रिपल प्राइस स्टेबल्स हैज डिसॉल्व, आप देख सकते हैं लोग अब थोड़ा हो रहा है। अब ये देख साइटिंग SEC लॉसूट रेस्किलिंग लिक्विडेटिंग XRP ट्रस्ट। सो मैं आपको सही बात बताऊँ तो रिपल जो कॉइन है वैसे काफ़ी अभी इस टाइम एट पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रस्ट करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको कंपनी का पता नहीं है कुछ भी। मैं आपको उसकी रेटिंग्स पे लेके जाऊँ तो जो हेल्थ है वो तो चलो ठीक है, गुड है, बट ये देख सकते हैं कोऑपरेटिव 18.8 मिलियन XRP का फ्लो है और 31 दिसंबर को इसको एक महीने से भी कम है रैंक हुए। ग्रेड दिया गया डी, जिसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी 5, इकोस्ट्रक्चर में -4 हो गया, इकोनॉमिक्स 3 होगी, टोकन परफॉर्मेंस 3 होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी है इस पर यूज़ की बट बहुत बुरा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सही करेंसीज ने इसको डीलिस्ट कर दिया है, वही है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और जो कोर्ट में SEC का केस है वो बहुत टाइम से अभी मे बी और महीने भी रहेगा, तो सर्टनिटी है कि टोकन का प्रोजेक्ट थोड़ा अभी भी ऊपर नीचे ही रहेगा। SEC इज ड्रॉपिंग द हैमर हार्ड ऑन रिपल्स और प्रोस्पेक्ट मे नॉट लुक लाइक, जैसे कि बताया गया मैंने आपको जो SEC ने उस पर केस किया है और वो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इस करके जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है XRP की वो कभी अभी बहुत प्रॉमिसिंग या कुछ लग नहीं रहा। अगर मैं आपको इनका लॉस आउट बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया 1.3 बिलियन की अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज थी, अब यही है उसकी कंपनी की और टोकन की दोनों की प्राइस वो हर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको एनालिसिस पे लेके जाऊँ तो एनालिसिस आई होप लोड हो जाएगा, एनालिसिस नहीं लोड हो रहा, देख सकते हैं आप रिपल का कितना बुरा हाल है। सो मेरा इस पर क्या है जो थिंकिंग है कि आप रिपल पे अगर आप चाहें, रिपल 6% से डाउन है 24 आवर्स में। मैंने कल जिसमें वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बोला था कि आप रिपल के डाउन जाने की वेट कर सकते हैं। अब आप मैं आपको कहूँगा रिपल अभी और डाउन जा सकता है, बट फिर भी अगर आप एक छोटे अमाउंट में इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई आपके पास अगर एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, आप थोड़े रिपल्स पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वन डे और दी अदर आई डू थिंक कि जो इसका SEC ने लूट जो इस पर केस किया है वो ज़रूर सॉल्व होगा और XRP वापस रिटर्न मारेगा और बहुत ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी आगे बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी मैं आपको बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहें तो आज इसको खरीद सकते हैं, मे बी थोड़े दिनों में और अप जाए, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि कई बैंक्स ने अडॉप्टिव XRP टेक्नोलॉजी इसको अडॉप्ट किया, उसके करके दे माइट भी कि इसकी प्राइस स्टेबल हो जाए थोड़ी सी। सो आप फ्यूचर प्रोजेक्शन लगा के इससे प्रॉफिट ज़रूर कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली, शॉर्ट टर्म का मैं थोड़ा 50-50 हूँ, बट फिर भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है आप रिस्क कर सकते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। बाकी मैं ये सब आप पे छोड़ता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ आपको जिसमें कि आप कर सकते हैं नहीं, तो यही है XRP का। तो अगर मैं आपको XRP के लेके जा सकूँ तो उसमें देख सकते हो थर्सडे को 3.29% से डाउन गया था एंड आप देख ही सकते हैं मेजर असिस्टेंस 0.31 पे थी, 0.28 3525 पे लो गया
एंड उसके बाद आप देख सकते हैं अब फॉर द डे हेड क्या इस पे है, सपोर्ट लेवल 0.2830 है, सपोर्ट लेवल से भी नीचे गया रिपल, मतलब आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है अभी रिपल का। एंड मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अभी रिपल लो है, काफ़ी ऑल टाइम लो पे ही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट अमाउंट में कॉइन बाय कर सकते हैं और आप इससे प्रॉफिट गेन करने का सोच सकते हैं। 0.26 तक भी गया था ये आज, तो आई होप आप देख सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग क्रिप्टो में नए हैं और अगर थोड़ा रिस्क तो खेलना चाहते हैं, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा मनी है आपके पास, तो आप 15-20-25-30 कॉइन खरीद के रख लें, मे बी आपके लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे दे, बाकी सब आपकी चॉइस है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लगता रहे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना है, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। एंड उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कमेंट करेंगे एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए सर, प्लीज़ इतना कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यार।